सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस चैप्टर का ना लास्ट पार्ट रह गया, विच इज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, जो हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स गो विद दैट। स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू, विच सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है आउट ऑफ दीज की एक्सट्रीम, जब सेलाइन मतलब नमकीन टेम्परेचर होगा ना, तो उसमें ये रह सकता है। तो यू बैक्टीरिया है, या फिर आर्की बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, या माइको बैक्टीरिया है। सो आंसर इज आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में इसलिए रह सकता है क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है ना, वो ही एक रीजन होती है। डबल लेयर लिपिड की बनी हुई होती है जो उसको लाइक वो रेजिस्टेंट होती है, तो इसीलिए ये किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि लीनियस यूज विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने यूज किया था? तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 मिनट्स। आप इसका आंसर गेस करो। लेट्स सी आप कितना गेस कर पाते हो इसको। हैव यू गेस्ड? शुड आई आंसर? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई गेस आपको ना इसको गेस करने में दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। सो लीनियस ने हमें कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? इन्होंने हमें दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। दिस वॉज नॉट नेचुरल, दिस वॉज आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन की, सबसे छोटा टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम है, फैमिली है, वैरायटी है, या स्पीशीज है? ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कवर किया है। इस वाले चैप्टर में नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर में ये चीज कवर हो चुकी है। सो द आंसर इज, गेस द आंसर। आंसर इज स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो सबसे छोटा क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट कम्स की इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्के एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। कौन सा वाला था जिसमें आर्के और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म थे? तो वो था आपका एनिमेलिया था क्या? नहीं नहीं था। प्लांटे था? नहीं नहीं था। फंगाई तो नहीं था? नहीं, वो भी नहीं था। तो आंसर है किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कैसा है? वो जो उन दोनों ने दिया था वो सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज प्लांट किंगडम। और वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था नेचुरल। इसका आंसर तो मैंने ही बता दिया क्योंकि ये आई गेस आप जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो आप इसका आंसर तुरंत गैस कर लोगे वहां पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फाइव किंगडम सिस्टम। कि क्या था जिसके बेसिस पे, लाइक जो मेन बेस था जिसके बेसिस पे हमने क्या करा था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया था हमने। नहीं, आर एच वुटेकर ने किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ गेस करने के लिए 2 मिनट्स। लेट्स गेस स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जल्दी जल्दी गेस करके बताओ। कि क्या उन्होंने क्या लिया था, मेन बेसिस लिया था किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का। उनका जो मेन बेस था वो हमने पढ़ा था उनके लाइक उसकी मेरे पास स्लाइड भी होगी, लेट मी शो यू द स्लाइड। किंगडम मोनेरा पे हमने पढ़ा था, मैं बताती हूँ। उनका मेन बेसिस जो थे वो थे ये देखो, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फिर है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें से मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें दिया हुआ है इन ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? जस्ट अ मिनट, लेट मी गो टू द स्लाइड। सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि सिर्फ यही सॉरी कहाँ गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही ऐसा फीचर है जो कि उसमें दिया हुआ है।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंगाई, कि फंगाई के बारे में जो स्टेटमेंट है इनमें से वो कौन सा फॉल्स या फिर बोल सकते हो कि गलत है। सॉरी, लेट स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से जो है हमारी स्लीपिंग सिकनेस होती है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो इसके बारे में ना बुक में दिया भी हुआ है कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय इसका आंसर है ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएंसिस। क्या आंसर है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएंसिस गैम्बिएंसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिनियस इवॉल्व द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, कौन सा था? दो नाम वाला सिस्टम, क्या बोलेंगे उसे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है कि टेक्सोन क्या होता है, व्हाट इज टेक्सोन? सो वो क्या है हमारी? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, या फिर अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इनमें से क्या आपका एक टेक्सोन है? सो टेक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड है? सबसे पहले आता है ओवरऑल सिमिलैरिटी, हैबिटेट, सॉरी आंसर नहीं है ठीक है, हैबिट ऑफ प्लांट्स, कॉमन इवोल्यूशनरी डिकेंस, या ऑल ऑफ दीज। तो फाइलोजेनेटिव का मतलब होता है कि पुराना रिलेशनशिप या पूर्वजों से रिलेशन, तो कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो ओवर हियर। अभी चैप्टर हमारा हो चुका है फिनिश, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट किंगडम को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम धीरे धीरे पूरी लाइक बोल सकते हो आप इस पूरे क्लास 11 के कोर्स को बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। दो चैप्टर तो हमने फिनिश कर ही दिए हैं, होप सो इस मंथ में हम दो चैप्टर और फिनिश कर दें, विच इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। फिर नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।